नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले बात यह आती है कि सुंदर कांड आखिर है क्या। अब आप जान लीजिए, सुंदर कांड एक ऐसा पाठ है जिसमें काम की सफल होने का वर्णन किया गया है। किसी विशिष्ट काम की जिम्मेदारी के पूर्ण होने का आभास सुंदर कांड से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि भक्त के द्वारा संपन्न होता है। अब है क्या कि भगवान हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता माँ को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान जितनी भी बाधाएं आई उन सभी से बचे, अपने कार्य में सफल रहे थे। इसीलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। तो यह है सुंदरकांड, जिसे कि पूर्ण भाषा में कहा जा सकता है कि आपके जीवन में यदि सफलता को आसानी से अर्जित करना चाहते हैं, सुंदरकांड के जैसा कोई अद्भुत पाठ नहीं है। अब बात करते हैं कि सुंदरकांड को पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके जीवन में घटित होती हैं। सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा कि जीवन में किसी प्रकार की समस्या यदि उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिलने लगता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संसार होने लगता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो सुंदरकांड के पाठ के लिए कुछ तौर तरीके भी हैं, नियम भी हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सुंदरकांड का जब आप पाठ करते हैं तो नियमबद्ध होकर करना ही चाहिए। नियमबद्ध होकर अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चाहे समस्याओं के अंबार लग गए हों, जीवन में ऐसा हो गया हो कि जीवन और मरण की परिस्थिति आ गई हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना आप ये मान लीजिए कि एक संजीवनी बूटी के ग्रहण करने के समान है। सबसे पहले आपके जीवन में यही घटित होता है कि जिस परेशानी से आप बहुत बहुत परेशान चलते हैं वो परेशानी जीवन से क्षण भर में ही दूर होने लगती है और आपको प्राप्ति होती है ऐसी दिव्य शक्तियों की जो कि आपके जीवन में आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी उस घटना की जो कि सुंदरकांड पढ़ने से आपके जीवन में घटित होती है। सुंदरकांड करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जो बदलाव आते हैं वो होते हैं कि सकारात्मक और विचारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होने लगता है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसे सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन में, जो भी साधक इसका पाठ करता है उस व्यक्ति के मन से किसी भी प्रकार के भय से उसे मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बहुत बहुत अद्भुत तरीके से सफल होगा। इसका साप्ताहिक पाठ करने से, मान लीजिए अगर आप सुंदरकांड के पाठ को जीवन में अपनाना चाहते हैं, साप्ताहिक पाठ भी करते हैं तो आपके जीवन से ग्रह कलेश जो चल रहे होते हैं वो दूर होते हैं और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से मुक्ति एवं छुटकारा मिलता है। ये सारी बातें आप रेखांकित कर लीजिएगा। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनकर इस समाज में बहुत बहुत उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है। ये थी वो दो घटनाएं। इसके अलावा बात कर लेते हैं तीसरी घटनाएं जो आपके जीवन में होंगी ही होंगी। यदि कोई साधक, आप हर चीज को रेखांकित कर लीजिएगा, यदि कोई साधक किसी परेशानी में फंसा हुआ है और बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि उसे सफलता नहीं मिल रही है या उसके जीवन पर ऐसी स्थिति आई हुई है कि यदि सहायता नहीं मिल पाएगी तो वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा, ऐसा जीवन में अगर आप फंस जाते हैं मान लीजिए, तो आपके लिए सुंदरकांड का पाठ करना बहुत बहुत लाभकारी होगा। फायदा आप जान लीजिए क्या होने वाला है, लाभ क्या मिलेगा कि जो व्यक्ति निर्धारित विधि विधानों का पालन करने के साथ सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, ऐसे अनन्य भक्त पर प्रभु श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में हनुमान जी की ऐसी सिद्धि उसकी सहायता करने के लिए स्वयं खड़ी हो जाती है
जिससे उस व्यक्ति के जीवन को लाभान्वित होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सुंदर कांड का पाठ बहुत विशिष्ट कार्य के सफल होने का प्रमाण है। तो आप यह मान लीजिए कि जब स्वयं श्री हनुमान जी इस पाठ के मुख्य किरदार रहे हैं, मुख्य चरितार्थ उन्होंने किया है इस सुंदरकांड के पाठ को, तो आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ को जीवन में कर लेता है तो स्वयं श्री हनुमान जी से उसका प्रत्यक्ष संपर्क साधा जा सकता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा को सदा के लिए प्राप्त कर लेता है। यानी कि यह भी एक ऐसा अद्भुत पाठ है जिसमें आप श्री हनुमान जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। आप चाहे भक्ति मांगते हैं श्री हनुमान जी से, चाहे उनके दर्शन मांगते हैं, चाहे आप किसी भी लाभ की आकांक्षा रखते हो मन में, हर चीज आपको इस दिव्य पाठ से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना ही चाहिए। अब आती है चौथी घटना। चौथी घटना प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी से जुड़ी हुई है। इसमें मैं आपको बता दूं, यदि आप श्री महाराज जी के समक्ष भी स्वयं बैठकर श्री सुंदर कांड का पाठ कर लेते हैं तो आप यह सोच लीजिएगा कि आप महाराज जी को प्रसन्न करने का ये बहुत मुख्य कार्य कर रहे हैं। स्वयं श्री महाराज जी के समक्ष आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो यह मान लीजिएगा कि स्वयं श्री हनुमान जी के समक्ष उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उसका गुणगान आप बैठकर कर रहे हैं, तो सोचिए कि श्री हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता इस चीज से मिलेगी। स्वयं श्री महाराज जी को अगर आप ये पाठ बैठकर स्वयं अपने मुख से सुनाते हैं या आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार के अनिष्ट कार्य नहीं हो सकते। सभी परिवारजनों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, श्री हनुमान जी का आशीष बना रहता है और जिस घर में भी स्वयं श्री महाराज जी चाहे विग्रह स्वरूप में विराजमान हो, छवि चित्र रूप में विराजमान हो, ऐसे घर पर कभी किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। परिवार के जनों के स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहते हैं, स्वास्थ्य पर कोई आंच नहीं आ सकती और ऐसे घर में वास करने वाले लोगों के जीवन में सफलता के नए नए आयाम निश्चित हो जाते हैं। ये चौथी घटना है जो कि आप सबके घर पर अवश्य होगी सुंदर कांड का पाठ करने से। अब जान लेते हैं उस सावधानी को जो सावधानी आपने रखनी है, क्योंकि सुंदर कांड के पाठ को करने के कुछ नियम है, वो नियम आप सुन लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको करने हैं। सुंदर कांड का लगातार 21 दिन पाठ करने के नियम बहुत ही प्रभावी रूप से बताए गए हैं। या कि आप ये कर सकते हैं कि यदि 21 दिन नहीं हो पाता तो सुंदर कांड का पाठ आप अपनी इच्छा अनुसार 11 की संख्या में, 21 की संख्या में, 31 की संख्या में या 41 दिन की संख्या में कर सकते हैं और सबके नियम समान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्वयं श्री हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने आप स्थापित कर लीजिए। आप भी किसी शुद्ध आसन पर बैठ जाइए तथा स्नान आदि करने के बाद आप यह कार्य शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप एक कार्य और करिएगा कि शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक यदि उपलब्ध ना हो तो सरसों के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में 7 पीपल के पत्ते अवश्य आपको अर्पित करने हैं और हनुमान जी को जो दीपक आप जलाते हैं उसके पश्चात सुंदर कांड का पाठ करें। आप पूरी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, पूरे मन से, क्रम से, वचन से और अंत में आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात पीपल के पत्तों की माला बनाकर आपके आसपास के किसी भी श्री हनुमान मंदिर में आप जाकर उस माला को चढ़ा दीजिए। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा इसके पश्चात आप हवन आदि जरूर करवाएं। 21 दिन तक ये आप अगर करें तो बहुत बहुत लाभकारी होगा। अगर संख्या आपको ज्यादा लगती है, 21 नहीं कर सकते तो 11 कम से कम करें। इसमें एक दिन की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सबसे मुख्य सावधानी आपको बता रहा हूं, एक दिन भी ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको नियमबद्ध होकर करेंगे तो दिन हर दिन ये पाठ क्रमानुसार जारी रहना चाहिए। और सुंदर कांड के पाठ के साथ अगर आप श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहते हैं तो आप इन दोनों पाठों को साथ में कर सकते हैं। एक दिन जितना आपसे हो सकता है उतना करिए और उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इससे आपको जो लोग धन की, अर्थ की कामना करते हैं उनको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये थी वो कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है और यह क्रमांक भी अब विराम की ओर आ चुका है। आशा करते हैं क्रमांक
आप अपने जीवन में जोड़कर सारी बातों को शामिल करके अपने जीवन में लाभान्वित होंगे, इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।